नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। कुछ सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या अमेरिका चाहता तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध नहीं होता? दूसरा, क्या चीन रूस और अमेरिका दोनों के मजे ले रहा है? तीसरा, क्या यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है? चौथा, क्या भारत की स्थिति दो पाटों के बीच पिसे हुए गेहूं के दाने की तरह हो गई है? दो पाट यानी रूस और अमेरिका। और पांचवा सवाल, क्या यूक्रेन अब पछता रहा है कि इससे अच्छा तो यही था कि रूस की बात मान ली हो? इन सारे सवालों पर बात करने से पहले कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए रूस की, जिसने एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र पर हमला किया है। अब बात करते हैं अमेरिका की। क्या आपने कभी सोचा है या कभी आपके दिमाग में आ रहा है कि किसी परमाणु हथियारों से संपन्न देश पर इस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हों? क्या आपने कभी सोचा है या आपके दिमाग में कभी आया है या कोई देश ऐसे दिमाग में आता है आपके जहन में जिस पर एयर स्पेस का ब्लैंकेट कवर डाल दिया गया हो, यानी जिसके लिए एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दी गई? लेकिन अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कर दिखाया है, और ऐसा कर दिखाया है रूस के खिलाफ, एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश के खिलाफ। ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है, ये एक बड़ा सवाल है। जब बातचीत का दौर चल रहा था, जब मध्यस्थता के लिए खुद को पेश करना जरूरी था, तब अमेरिका कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। उससे बड़ा सवाल, यूक्रेन ने एक अर्जी दी है नाटो में कि साहब हमें नाटो में शामिल कर लिया जाए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो नाटो सदस्य देश हैं, उन्होंने उस अर्जी को अभी स्वीकार नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया है, यह अलग बात है। पुतिन क्या चाहते हैं? पुतिन यह चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाए। तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को सिर्फ एक बात कहनी थी कि यूक्रेन ने जो अर्जी दी है उस पर हम पुनर्विचार करें। कब करेंगे पता नहीं, देखेंगे उनको नाटो में शामिल किया जा सकता है या नहीं शामिल किया जा सकता है। इसी से पुतिन का काम चल जाता, इसी से यूक्रेन को भी सबक मिल जाता, सीख मिल जाती कि अमेरिका नाटो में उसे शामिल करने वाला नहीं है, यूरोपियन यूनियन में वो शामिल होने वाला नहीं है। इससे अच्छा भलाई ये है कि रूस के साथ ही संबंध अच्छे बनाकर रखा जाए। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात है कि क्या अमेरिका चाहता है कि रूस मजबूत बने? रूस मजबूत बने और यूरोपियन यूनियन को आंखें दिखाए, उन्हें चुनौती दे, क्या अमेरिका ऐसा चाहता है? आप कहेंगे भला अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा? अमेरिका ऐसा इसलिए चाहेगा क्योंकि यूरोपीय देश उसकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं, अमेरिका की चौधराहट कम होती जा रही है, और अमेरिका को लगा कि अगर रूस थोड़ा सख्त होता है, मजबूत होता है, यूरोपियन देशों को दबाता है, तो ऐसे में ये जो यूरोपियन देश हैं ये तड़पते हुए भागते हुए अमेरिका की शरण में आएंगे कि हजूर माई बाप चौधरी साहब हमें बचा लो, और अमेरिका की बादशाहत बनी रहेगी, चौधराहट नए सिरे से स्थापित हो जाएगी। क्या अमेरिका ऐसा चाहता है जो बाइडेन, इसलिए उन्होंने इस तरह के कड़े कदम उठाए? भाई अभी तो बातचीत का दौर था, जब आपस में कोई विवाद होता है तो एक साथ कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। आप तो नेगोशिएशन की जो गुंजाइश है उसी को खत्म कर दिया। आपने तो पुतिन को उकसा दिया, पुतिन को भी गुस्सा आ गया, पुतिन ने भी परमाणु हथियारों वाली जो चीजें हैं उन सिस्टम है उसको अलर्ट कर दिया, और पुतिन ने भी शायद ठान लिया कि ठीक है जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी सेना के थ्रू ही यूक्रेन पर कब्जा करूं और यूक्रेन को जबरदस्ती मनवाऊं कि वो नाटो में शामिल नहीं हो, वहां की सरकार को बदल डालूं, आप जब खुद चाहते हैं तो ठीक है, यही सही। नहीं तो बातचीत का रास्ता खुला ही था, डिप्लोमेसी का रास्ता खुला ही था। पिछले साल भी बाइडेन और पुतिन के बीच में मुलाकात हुई थी, तब भी पुतिन इस तरह का आश्वासन चाहते थे कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए, बाइडेन ने यह आश्वासन नहीं दिया था। 1991 में जब यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे, तब उसके बाद से भी रशिया चाह रहा था, रूस चाह रहा था कि यूरोप में सुरक्षा की एक नई व्यवस्था बने, यूरोपियन यूनियन के साथ वो बैठकर बात करना चाहता था कि सारे देश अपने आप को महफूज
सुरक्षित समझे, महफूज समझे, एक दूसरे के प्रति का डर कि कल को कोई कब्जा कर लेगा, हमारे यहाँ आ जाएगा, टैंक लेकर आ जाएगा, हमारे यहाँ मिसाइल छोड़ देगा, ये सारी चीजें नहीं हो, अमन चैन भाईचारा कायम रहे। लेकिन यूरोपियन यूनियन को लगा कि रूस तो टूटा फूटा देश है, गैस स्टेशन है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के अलावा इनके पास है क्या, एक रीजनल शक्ति बनकर रह गया है, तो उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की या इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बनता है तो वहां मिसाइलें तैनात कर सकते हैं, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता तो जॉर्जिया और दूसरे देश भी चले जाते, तो रूस ऐसा क्यों चाहेगा और रूस को ऐसा क्यों चाहना चाहिए, तो रूस को संतुष्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अमेरिका आखिर रूस को साथ बैठ कर बातचीत के लिए क्यों तैयार नहीं किया उसको, और ज्यादा तैयार यूक्रेन को भी बात करनी चाहिए थी, उससे भी मध्यस्थता की भूमिका में अमेरिका को आना चाहिए था, उल्टा अमेरिका ने एयर स्पेस पे रोक लगा दी, बैंक सारे एसेट्स हैं वो बंद कर दिए, जो विदेशी मुद्रा का 630 बिलियन डॉलर का भंडार है उसमें से आधा भंडार अमेरिका और यूरोप और दूसरे देशों के बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है जिस पर अब रोक लग जाएगी। तो क्या इस ढंग से अमेरिका रूस को काबू में करना चाहता है, जबकि अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर एक साल तक भी आर्थिक प्रतिबंध लगे रहे तो रूस के पास इतना पैसा है, इतना रूबल है कि वो एक साल तक बिना एक पैसे का निर्यात किए आयात अपनी आवश्यकता की जो चीजें हैं वो आसानी से कर सकता है। चीन बस मदद दे रहा है, क्रिप्टो करेंसियां काम आ रही हैं, स्विफ्ट पर रोक लगाई गई है, तो स्निप्स एक नया सिस्टम जो है चीन और रूस ने मिलकर डेवलप किया था, उसके आधार पर रूस को अपना व्यापार करने में दिक्कतें आएंगी लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। जीडीपी में 1% का कुछ कमी आ सकती है। क्रीमिया पर जब रूस ने 2014 में हमला किया था और उसको आजाद मुल्क घोषित किया था, यूक्रेन से छीन लिया था, उसके बाद जो आर्थिक प्रतिबंध लगे तो 1.2% की कमी आई जीडीपी में, सिर्फ इतनी, और इतनी तो कमी रूस भी झेल सकता है, क्या अमेरिका नहीं समझता था? तो इसलिए अमेरिका के इरादों पर संशय होता है कि आखिर तत्काल इतने सख्त कदम उठाने की क्या जरूरत थी। अगर आप इतने तत्काल सख्त कदम उठा सकते हैं तो यूक्रेन में अपनी सेना भी भेज सकते, लेकिन अपनी सेना नहीं भेजेंगे। यूक्रेन के एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि साहब आपने तो एयर स्पेस अपनी लॉक कर दी, एक तरह से सुरक्षित कर दी, ताकि रूस का कोई हवाई जहाज, चाहे वो निजी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेना का हो, आपकी एयर स्पेस पर से नहीं जाए, अमेरिका की एयर स्पेस से नहीं जाए, लेकिन हमारी एयर स्पेस में जो हमारे बच्चों पर बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, उसका क्या, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सवाल नहीं था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो बाइडेन के पास भी ये जवाब नहीं है इसका, वो कह रहे पैसा ले लो, 350 मिलियन डॉलर दे देंगे, हथियार ले लो, F-35 विमान ले लो, और भी चीजें हथियार ले लो, मिसाइलें ले लो, लेकिन अपना सैनिक नहीं भेजेंगे। भाई मिसाइल और हथियार चलाने के लिए लोग चाहिए, कंधे चाहिए, हाथ चाहिए, वो आप देने को तैयार नहीं है, तो फिर आप यूक्रेन की क्यों मदद करेंगे, किस रूप में मदद कर पाएंगे? चीन मजे ले रहा है, चीन को लग रहा है कि पुतिन साहब अगर और कमजोर हुए आर्थिक रूप से तो उसकी झोली में आकर गिरेंगे। चीन को लग रहा है कि अमेरिका की हालत थोड़ी, अर्थव्यवस्था वैसे ही पतली है, महंगाई बढ़ रही है, और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका का ध्यान रूस की तरफ होगा, अपने घरेलू झगड़े जो संकट है, आर्थिक संकट है, उसकी तरफ रहेगा, तो रूस की वो घेराबंदी, चीन की वो घेराबंदी नहीं कर पाएगा अमेरिका, और चीन अपना विस्तार करता रहेगा, अफगानिस्तान में अबरक की, मैगनीज की खाने भी वो ले लेगा, एल्यूमिनियम की खाने भी ले लेगा, भारत के लद्दाख पर भी वो और ज़्यादा आक्रामक ढंग से चीज़ों को फैलाने की कोशिश करेगा, अरुणाचल प्रदेश को लेकर वो हवल्ला मचाएगा, ताइवान को लेकर हवल्ला मचाएगा, दक्षिण चीन सागर में अपने आधिपत्य को बढ़ाएगा, और जापान के साथ जो एक द्वीप समूह को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसमें जापान को भी अपने तरीके से दबाने की कोशिश करेगा। और फिर चीन को लग रहा है कि अमेरिका अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ तो आर्थिक चौधराहट किसकी बढ़ेगी? चीन की बढ़ेगी। सैन्य चौधराहट किसकी बढ़ेगी? चीन की बढ़ेगी। तो चीन क्या नई महाशक्ति के रूप में उभर आएगा जिसको रूस का भी साथ मिलेगा और वो रूस और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर भी दबाव बढ़ा सकेगा, क्योंकि चीन की नज़र में भारत भी एक बड़ा दुश्मन है, जैसे भारत की नज़र में चीन एक बड़ा दुश्मन है।
तो चीन को ये मौका अमेरिका ने क्यों दे दिया, खुलकर खेलने का मौका क्यों दे दिया? एक तरफ आप चीन की घेराबंदी की बात कर रहे थे, तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के बीच किस तरह के रिश्ते हैं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस का झुकाव और चीन की तरफ होगा? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप जितना ध्यान यूक्रेन की तरफ लगेगा, ये झगड़ा जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये फसाद जितना ज़्यादा लंबा खींचेगा, उतना ध्यान आपका वहाँ जाएगा, आपको हथियार भी देने पड़ेंगे, पैसा भी देना पड़ेगा और अपनी देश की जनता को भी संतुष्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और यूक्रेन में आप जीत जाएं इस आधार पर, यूक्रेन जीत जाए आपके पैसे के आधार पर, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें भी पुतिन अगर जीत निकाल गए और पुतिन और यूक्रेन ने आपस में समझौता कर लिया जो पुतिन की शर्तों पर हुआ, तो फिर अमेरिका की नाक क्या बचेगी? ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम जैसी हालत हो जाएगी। तो भी आपने ये मौका दिया, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा गुनाहगार क्या अमेरिका है? क्या अमेरिका चाहता तो नाटो की जो सदस्यता की अर्जी लगा रखी है उसको वो ठंडे बस्ते में डालने की घोषणा करके इस युद्ध को टलवा सकता था, कर सकता? इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले वो खुद को पेश कर सकता था कि मैं मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हूँ, आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं, या यूरोपियन यूनियन के देश मिलकर बैठकर बात करते हैं और जो पिछले 30 सालों में जो गलती रही, जो लापरवाही रही, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और एक सुरक्षा कवच बनाते हैं और यूरो एशिया की बात करते हैं, सिर्फ यूरोप और एशिया की नहीं, यूरो एशिया की बात करते हैं। क्या यूक्रेन नया अफगानिस्तान बन रहा है? क्या नया अफगानिस्तान बनने के पीछे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का हाथ है? क्या यूक्रेन की अब ये बातें समझ में आ रही हैं कि कैसे उसे मूर्ख बनाया जा रहा है? ये चंद सवाल हैं, ये बहुत से सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इनका तुरंत समाधान होना चाहिए, क्योंकि चीजें हाथ से तेजी से निकलती जा रही हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।